हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को जो है नव वर्ष की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड जो नर्स जो एग्ज़ाम्स होना था, उत्तराखंड जो नर्सिंग जो भर्ती परीक्षा होनी थी, स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स होना था, स्टाफ नर्स भर्ती UBTR की तरफ से जो निकाली गई थी। तो कल जो है कैबिनेट की जो मीटिंग थी, तो उसमें एक जो है नर्सिंग परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे डिसीजंस जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम वो न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, वर्षवार मेरिट के आधार पर होगी अब नर्सिंग भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अब जो है वर्षवार मेरिट के आधार पर ही अब नर्सिंग भर्ती होगी। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने रिटर्न एग्जाम्स के बजाय उम्मीदवारों की मांग के हिसाब से वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर मेरिट से भर्ती का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग गई। दरअसल प्रदेश में नर्स भर्ती को लेकर उत्तराखंड UBTR उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई थी। विवादों के चलते भर्ती प्रक्रिया 3 बार स्थगित हुई, बाद परीक्षा तक पहुंचती। इससे पहले ही सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा से लेकर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को सौंप दी थी। बावजूद इसके अभी तक भर्ती की प्रक्रिया लंबित थी। अब सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके नियम 15 में हुए संशोधन के मुताबिक नर्सिंग के 1238 पदों पर अब रिटर्न एग्जाम्स के बजाय मेरिट के आधार पर वर्षवार भर्ती की जाएगी। ठीक है, बता दें कि इससे पहले हर्षमरी नोटियाल बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग भर्ती के लिए रिटर्न एग्जाम्स का प्रावधान किया गया था। तो 10,000 से ज़्यादा आवेदन नर्सिंग भर्ती के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास 10,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे। अब 1238 पदों के लिए वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाली सूरत में इतने युवाओं में से किसका नंबर कब आएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो काफ़ी जो है सैड न्यूज़ इसको कह सकते हैं। जो हमारे जूनियर थे, जो लगातार जो है रिटर्न एग्जाम्स की मांग कर रहे थे, तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस आती है UBTR स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स में, आगे क्या मोड़ आता है, आगे क्या जो है जूनियर क्या जो है कोई प्रक्रिया यहाँ से जो है कोई प्रतिक्रिया अपनी देंगे या नहीं देंगे।